Good morning, dear students. Today, I'm going to teach you social study for class 3. Use and care. Use and care. इस्तेमाल करने और इसको जतन करने. कौन चीज इस्तेमाल करने हो, कौन चीज जतन करने हो, यो हमें पढ़ना वगैरह क्यों? यो household goods को विषय मात्रा हाउसहोल्ड गुड्स मतलब घर में इस्तेमाल होने सामान को चीज मतलब घर में इस्तेमाल होने होने चीज सामान को नाम के हो उस लाइक के भनी था यो सब हमें सीख छौ यो पढ़े पछि यो एउटा दृश्य क्लासरूम को हो. क्लासरूम में टीचर आउनु हुन्छ अनि एकजना स्टूडेंट लाई उठाएर आज हमें चीजों सोचने दिमाग में किस चीज पहले आऊँ जिन चीज को हमें नाम भन्छौं नाम जो जिन चीज हमें भन्छौं त्यो चीज समझे पछि हमलाई के को समझना आउँछ सब भन्दा पहिला दिमाग में त्यो चीज बनने हो. ये एउटा खेल हो. यो खेल हमें खेलना गइरहेको छौं र टीचरले भन्नुहुन्छ त टीचरले के सोच्छ पहिला थिंग्स इन अ किचन मतलब किचन में होने सामान हो विषय में सोचने किचन नाम किचन शब्द सुन्न बिचक हमारे दिमाग में क्या होता अनवेश लाइफ सोच अनवेश ने उठा होता सर आई थिंक ऑफ यूटेंसिल्स प्लेट ग्लासेस स्पून प्रेशर कुकर एंड राइस कुकर अनिवेशले उठेर भन्छ सर मेरो दिमागमा किचनको नाम आउनु बित्तिकै मेरो दिमागमा के चीज आयो त उसको दिमागमा युटेन्सिल्स युटेन्सिल्स भनेको के हो भाँडाकुँडा युटेन्सिल्स भनेको के हो बर्तन डेक्ची बर्तन सब भाँडाकुँडाहरूलाई युटेन्सिल भन्छ युटेन्सिलहरू आयो उसको दिमागमा पहिला प्लेट समझना आयो ग्लास स्पून प्रेशर कुकर राइस कुकर यही सब उसको दिमाग में आयो किचन को नाम सुन में उसको के इस्तेमाल हो तो टीचर ने फिर अनिवेश ओके अनिवेश कॉल कैन यू टेल मी देयर यूजर्स एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम के बोलता टीचर ले अनिवेश कि तुम्हें भन्न सक्छ कि यो इस्तेमाल कसरी गरिन्छ र हामी उसको कसरी देखभाल गर्नुपर्छ जतन कसरी गर्नुपर्छ यो कुरा बताऊ त भनेर भन्छ त अनिवेशले भन्छ युटेन्सिल्स आर युज फर कुकिङ फुड युटेन्सिल्स आर युज फर कुकिङ फुड युटेन्सिलहरू भाँडाकुँडाहरू खाना पकाउनुमा इस्तेमाल गरिन्छ वी युज प्लेट टु इट फुड अन देम एन्ड ग्लासेस टु ड्रिंक वाटर फ्रम देम हामीले प्लेट खानाको लागि हामीले प्लेट चाहियो र ग्लास पानी पिउनुको लागि चाहियो वी सुड बी वाश प्रोपरली विथ सॉप and clean water खाना यो भाँडाकुँडालाई हामीले सफा धोलेको हुनुपर्छ सफा राख्नुपर्छ खाना खाइसकेपछि खानुभन्दा अगाडि यो सबै प्लेट एकदम सरसफाइ हुनु पर्यो प्लेट भाँडाकुँडाहरू त्यसलाई हामीले धुनु वास गर्नुको लागि के गर्नु साबुन पानीले एकदम सफा पानीले आफ्नो भाँडाकुँडा धुनुपर्छ यो सुड बी गिफ्ट होइन किचन सेल अनि यो सबलाई यताभावी राख्नु हुँदैन किचनको जुन
सेल्फ हुन्छ, अलमिरा हुन्छ, किचनको जुन ऱ्याक हुन्छ त्यो सब ऱ्याकमा सजाएर राख्नुपर्छ। मिठाई पालेर एकदम सफा निट एन्ड क्लिन राख्नुपर्छ। खानेकुरोमा कुनै किसिमको गन्दगी धोलो मोलो हुनु हुँदैन, स्वच्छ खाना खानुपर्छ होइन हामीलाई। त्यस कारण स्वच्छ खाना खानुको लागि स्वच्छ भाँडाकुँडा पनि चाहियो होइन, त भाँडाकुँडोको पनि सरसफाई गर्नुपर्छ। हो त्यसपछि टिचरले के सोध्छ, टिचर गुड नाउ प्रज्ञा इट्स योर टर्न थिंग्स इन अ बेडरूम। टिचरले फेरि खेल खेल्छन् टिचरको गेमको अनुसार, पहिला अनिवेशको कुराकानी भयो, अनिवेशले ठिक ठिक बतायो उसको युज, अनि प्रज्ञालाई सोध्छ प्रज्ञा तिम्रो पालि छ, अब तिमीले भन्ने कि बेडरूम भित्रको सामान, बेडरूम, अब बेडरूम नाम सुन्नु बित्तिकै उसको दिमागमा पहिला चिज के आउँछ त प्रज्ञा, आई थिंक अ बेड, कबोर्ड, स्टडी टेबल, चेयर। प्रज्ञाले के भन्छ, मेरो दिमागमा के आयो, पहिला बेड आयो, त्यसपछि कबोर्ड आयो, त्यसपछि के आयो, स्टडी टेबल चेयरहरू आयो, बेडरुममा योहरू हुन्छै हुन्छ। त दिमागमा त्यही कुरो बेडरुमको कुरो सम्झेपछि आयो, नाउ टेल मी, नाउ टेल अस देयर युजेस एन्ड प्रपर केयर। टिचरले फेरि प्रज्ञालाई सोध्छ, ठिक छ अब तिमीले बताऊ कि त्यसको के इस्तेमाल हुन्छ, कसरी युज हुन्छ र कसरी हामी उसलाई जतनमा राख्ने, कसरी यो चिजहरूको जतन गर्ने हो। त प्रज्ञाले के भन्थिन्, प्रज्ञाले भन्थिन् कि बेड्स आर युज फर स्लिपिङ, ओछ्यानहरू बेड्स भनेको ओछ्यान, ओछ्यानहरू सुत्ने काम आउँछ, सुत्नुको लागि हो, वी शुड कभर विथ क्लिन एन्ड बेड सिट। हामी बेडलाई एकदम सफा तन्नाले कभर गरेर राख्नुपर्छ, सफा तन्ना क्लिन बेडसिट, सफा चादरले बेड ढाकेर ओछ्याएर राख्नुपर्छ। वी शुड नट जम्प अर इट अन द बेड, हामीले ओछ्यानमाथि उफ्रिनु हुँदैन र ओछ्यानमाथि उफ्रिएर खाना खानु हुँदैन, केही खानु तिमीहरू के खाइबस्छौ, बेडमा जम्पनी बस्छौ, बेडमा भुजा सुझा खाउँछौ, खाउँछौ, पोखिरहेको हुन्छ, त यी सब फोहोर हुन्छ, त त्यसमा त्यसमा जम्प गर्नु हुँदैन। वी सुड नट जम्प अर इट अन द बेड, टेबल्स आर युज फर राइटिङ एन्ड चेयर फर सिटिङ। टेबलहरू के को इस्तेमाल आउँछ, टेबलहरू लेख्ने काम लाग्छ, टेबलमाथि हामी राखेर कुनै चिज लेख्न सक्छौँ, चेयर बस्ने काम हो, चेयरको काम बस्ने हो, चेयरमा हामी बस्छौँ। वी सुड नट स्पिल इङ्क अन द टेबल अर चेयर, अनि हामीले टेबल र चेयरमाथि मसी पोखाउनु हुँदैन, स्पिल गर्नु, स्पिल भनेको झार्नु, पोखाउनु, यताउता कुनै पनि चिजहरू खनाउनु हुँदैन, फोहोर गर्नु हुँदैन। लेख्ने काम गर्छौँ, बस्ने काम गर्छौँ, त्यो टेबल चेयरमाथि इङ्कहरू के जताभावी चिया चिया घोप्टाउनु हुँदैन। इट सुड बी वाट फ्रम टाइम टु टाइम टु किप देम क्लिन, अनि टेबल चेयरलाई हामीले समय समयमा एकदम राम्रोसँगले पोछ्नुपर्छ, भिजा डस्टरले टेबललाई पोछेर धुलो सुलो जमेको केही काँच काँचको माथिको सबै सफा वेब गरेर, वेब भनेको डर, वेब भनेको पोछ्नु, मेक इट क्लिन, यो गर्नु पर्यो बाई क्लिनिङ रबिङ विथ क्लथ, कपडाले सफा गर्नुपर्छ। अब यो प्रज्ञाले भनिसकेपछि टिचरले फेरि सोध्छ, टिचर भेरी गुड, टिचरले भन्छ बहुत असल बात हो, नाउ नाम गेल,
यू टेल अस अबाउट थिंग्स इन द फॉर्म अनि टीचर ले नामगेल लाइक सोचो नामगेल बनने वाला स्टूडेंट उस लाइफ बन का नामगेल अब तुम्हें उठा अब बताओ फॉर्म खेत में की सामान रोड़ जा खेत में काम लगने खेत फॉर्म भाई पची खेत भाई पची तुम्हारे दिमाग में क्या हो बताओ नामगेल लाइक सोचो तो नामगेल ले बन का हम I think of हसिया हसिया आउंदे कटने हसिया खेत को नाम आउंदे फार्म को नाम आउंदे मेरे दिमाग में हसिया आयो कुटो को दालो आयो है ना ये सब सामान आयो खेत में होनु पड़ने हो हसिया होनु पड़चा कुटो का दालो होनु पड़चा तो यो दीज टूल्स आर वेरी डेंजरियस ये सब जिन हथियार था बहुत ही खतरनाक और डेंजरियस चीज हथियार सब सामान हो धारी लोग चीज हो उन चा सब चीज उन चा वेरी डेंजरियस बहुत खतरनाक हो ये शुड बी केप्ट इन अ प्रॉपर सेफ प्लेस इन अ सप्लाई हम लेके एकदम सुरक्षित ठाव में रखने पड़ते जताओ हमें पेट में खुदे ना यूज अब फोटो बता लो को यूज भय बची हम ले सुरक्षित ठाव में इसलिए रखने पड़ता These things need to be sharpened time to time. Yes, sir. Harilo hathiyar lai, hamile samay samay ma yaun pri parcha, sharpni garna parcha. Kuto padalo, yu sab cha khet khanne kaam lagcha, ghas kaatne kaam lagcha hasiya ko, kuto padalo sab mato khanne kaam lagcha, yu sab hathiyar lai hamile samay samay ma harilo pri banaun parcha. So, proper care should be taken while using them. If the harilo hathiyar, harilo auzar haru use karta, istemal karta, hamle ekdam sahi samay, ekdam proper care linu padta. Proper care bhaneko ekdam jogaera chalaunu padta. Safely chalaunu padta. Janne vyakti hamle matai islai chalauncha. हाशिया चलाने मंचे ले हाशिया चलाऊं चाह हम जस्ट मंचे लाए हाशिया हम घास काटने लगे दिनों हो जाए लेकिन हमने हम ले हाथ में कटाऊं सकते हैं सकते इस कारण ये यूज करने के लगे हमें एकदम प्रॉपर केयर लेने पड़ चाह है ना इफ वी यूज देम केयरलेसली देन वी माइट कट आवर हैंड्स एंड लेग्स यदि हमें ले लापरवाही इस्तेमाल करे वाली ये सब चीज लाए हमें बोल सकते हैं हमें हाथ और कुट्टा काटने सकते हैं कटाई हो जाए हमें हाथ और कुट्टा कटाया हो जिस कारण दिस शुड बी किप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन जिस कारण ये सब चीजें रो नानी हर को पहुंच पड़ा कार ही रखने पड़ता हाँ द टीचर ये तो इन नाम के लिए भनी आई हो इसको करो अने टीचर ले बच्चा ऑल राइट ऑल ऑफ यू हैव प्लेड गेम वेरी वेल ओ ये तो खेल खेली रहा थे तो प्रेस आईक्यू टेस्ट ले रहा थे टीचर ले तब ले बच्चा ओके सब प्ले तुम्हारे लाइक बहुत राम लोग खेल खेलियो ऑल ऑफ यू देव प्ले गेम वेरी वेल नाउ वी नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ Household themes. अब हमले जानियो घर में इस्तेमाल होने विभिन्न किस्म का घरेलू सामान को विषय में उसको नाम को विषय में हम आज जानियो अरे ये यूजेस इन बसर इस्तेमाल होता एंड बसर इक्कट लाइक देखभाल गदर रखने पर चा ये यूजेस एंड वे टू मेक देम मेक केयर ऑफ देम कसरी उसको ध्यान में रखकर केयर करने पर चाव बने रहियो पूरा हम ले आज हम पढ़ियो जानियो तो इस उपरांत हम के वर्ड मीनिंग ले चुन र जो वर्ड मीनिंग पढ़ने पर था र के एक्सरसाइज भी था जो अपनी करने पर था जो का स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लोसरी था
ग्लोसरी में लिखो वर्ड मीनिंग, वहां वर्ड मीनिंग यहां मर लेगा अपने कॉपी में लिखने हो याद करने हो डेंजेरियस आई वर्ड टू कर्स हार्म खतरनाक डेंजेरियस में लिखो खतरनाक चोट पटक लगने सकता खतरा सा कई चीज को हमले हार्म हो सकता खतरनाक चोट पटक लगने सकता है हाउस होल्ड गुड्स प्रयोग के हो थिंग्स यूज एज होम घर में यूज करने सामान हर लाए हमले हाउस होल्ड गुड वैक्यूम और जिससे करी शार्पर शार्पन मेक शार्प धार बनाओ में स्पिल स्पिल बने को पोकिनु पोकिनु अलाउ लिक्विड टू फ्लो फ्रॉम इट्स कंटेनर बड़ा बड़ा कुने चीज सामान भोक्तिने पोखिने स्पिल और इसके जरिए यूटेंसिल बने को डिशेस यूज फॉर कुकिंग भाड़ा पूरा खाना पकाने भाड़ा पूरा यूटेंसिल वाइप बने को क्लीन बाय रबिंग विथ अ क्लॉथ लुगा ले सफा कर रगड़े का पोछे सफा कर वाइप यो तिमहरुलाई वर्ड मिनिङहरु लर्न गर्नु पर्ने हो यो सबै लर्न गरेर कपीमा लेखेर अनि सँगसँगै यो सब चिजहरूको तिमीहरूले आफ्नो सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अरू अरू अनि नेक्स्ट क्वेसन नम्बर थ्री क्वेसन नम्बर टू वाट आर द प्रोपर प्लेस फर द फॉलोइङ थिङ्स यो मैच करने पर है मैच कैसे करने पर है जैसे व्हाट आर द प्रॉपर प्लेस इसको सही जगह क्या हो अब बना था तुम्हारे लिए योर बुक और कॉपी कहाँ होने पर है हो बुक और कॉपी यहाँ लेकिन बुक एंड कॉपी कहाँ डस्टबिन में होने पर जा कबर्ड में होने पर जा स्कूल बैग में होने पर जा बेडरूम में किचन में कहाँ होने पर है हो स्कूल बैग में होने पर है हो तयो बुक र कॉपी अनि यसो गरेर जोड दिने स्कूल बैग हुनु पर्यो बुक र कॉपी को ठाउँ कहाँ छ प्रॉपर प्लेस स्कूल बैग भित्र हुनु पर्यो युटेन्सिल्स भनेको भाडा कुरा हुनु पर्यो यो मध्येमा किचनमा हुनु पर्छ होला हैन त यो भाडा कुरा हामीले किचनमा हुनु पर्छ त किचनमा हेर गर्दिने हो त्यस्तै गरी बेड काउन्टर बेडरूम में हूं लीटर लीटर बने को खोर रविश चीज खोर काउंटर डस्टबिन में लीटर लीटर बने को वेस्ट पेपर वेस्ट सामान क्लॉक कहां पर क्लॉक होने पर कबर्ड में यो मैच गर्नु पर्ने हो मैले त मैले गरिसके अब यो तिमीहरूलाई जान्नु पर्ने हो तिमीहरूले आफ्नो कपीमा सार्ने हो है यो कुरो सिक्ने हो ओके थ्याङ्क यू